इस वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक हमने वृत्त और उससे संबंधित पदों का अध्ययन किया तथा उनसे संबंधित कुछ प्रमेय पर चर्चा की। इस वीडियो में हम तीन बिंदुओं से होकर जाने वाला वृत्त यानी सर्कल थ्रू थ्री पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त की परिभाषा के अनुसार एक तल पर स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह जो एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो वृत्त कहलाता है, और वृत्त पर ऐसे अनंत बिंदु होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक वृत्त को बनाने के लिए कितने बिंदु पर्याप्त होंगे? एक, दो, तीन, चार या फिर अनेक? आइए इस पर चर्चा करें। इसे हम एक क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी द्वारा समझते हैं। हम शुरुआत करते हैं एक बिंदु, मान लीजिए बिंदु ए से होकर जाने वाले वृत्त से। अब धातु के बहुत से छल्ले लीजिए जो वृत्ताकार हों और अलग अलग माप के हों, यानी उनकी त्रिज्याएं अलग अलग हों। अब छल्लों को बिंदु ए पर आप कितने प्रकार से रख सकते हैं? हम इस प्रकार से रख सकते हैं, हम इस प्रकार से भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जितने छल्ले हैं हम उतने प्रकार से उन्हें इस बिंदु पर रख सकते हैं। तो दोस्तों, हम बिंदु ए से होकर जाने वाले कितने अलग अलग वृत्त बना सकते हैं? अगर हम प्रकार का उपयोग करके ऐसे वृत्त को बनाएं, तो हम पाएंगे कि बिंदु ए से होकर जाने वाले अनंत वृत्त बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम एक की जगह दो बिंदुओं बिंदु बी और बिंदु सी को लें, तो इनसे होकर जाने वाले आप कितने वृत्त बना सकते हैं? आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ध्यान में रखकर अलग अलग माप के छल्लों को इस प्रकार रख सकते हैं, इस प्रकार भी रख सकते हैं। आप छल्लों को अनेक प्रकार से रख सकते हैं, यानी हम प्रकार की सहायता से दो बिंदुओं से होकर जाने वाले अनेक वृत्त बना सकते हैं। यह पहला वृत्त बनाया, यह दूसरा वृत्त बनाया और यह तीसरा वृत्त बनाया। हम अलग अलग त्रिज्याएं लेकर और भी वृत्त बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों के बारे में देखते हैं। यदि तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो, तो इस स्थिति में इन बिंदुओं को समरेख बिंदु यानी कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। डी, ई और एफ समरेख बिंदु हैं। चलिए देखते हैं कि इन तीनों बिंदुओं पर छल्लों को हम कितने प्रकार से रख सकते हैं। क्या कोई ऐसा छल्ला है जो इन तीनों बिंदुओं से होकर जाएगा? जी नहीं, ऐसा कोई भी छल्ला नहीं है जो तीनों समरेख बिंदुओं से होकर जाता है। क्या आप प्रकार की सहायता से तीनों समरेख बिंदुओं डी, ई और एफ से होकर जाने वाला वृत्त बना सकते हैं? वीडियो पॉज करके आप वृत्त खींचने का प्रयास कर सकते हैं। जी नहीं, क्योंकि हम अगर बिंदु डी और ई से होकर जाने वाले वृत्तों को बनाते हैं तो बिंदु एफ छूट जाता है, ई और एफ को लेकर वृत्त बनाते हैं तो बिंदु डी छूट जाता है, और बिंदु डी और एफ को लेते हैं तो बिंदु ई वृत्त के बीच में आता है। आप देख सकते हैं कि तीसरा बिंदु सदैव ही दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त के अंदर या बाहर होगा। इसलिए तीन समरेख बिंदुओं यानी कोलिनियर पॉइंट्स से होकर जाने वाला हम एक भी वृत्त नहीं खींच सकते। अब अगर हम तीन बिंदु बिंदु जी, एच और आई को कुछ इस प्रकार ले कि वे एक ही रेखा में ना हो, तो इन बिंदुओं को हम असमरेख बिंदु यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अब हम जी, एच और आई पर छल्लों को रखने का प्रयास करते हैं। क्या ऐसा कोई छल्ला है जो तीनों बिंदुओं से होकर जाएगा? चलिए देखते हैं। दोस्तों,
यहाँ पर आप केवल एक ही त्रिज्या वाला छल्ला प्राप्त कर सकते हैं जो इन तीनों बिंदुओं बिंदु जी, एच और आई से होकर जाएगा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि तीन असमरेख बिंदुओं से होकर जाने वाला हम केवल एक और एक ही वृत्त बना सकते हैं? चलिए इसकी जांच करते हैं। क्या इन बिंदुओं से और भी वृत्त बना सकते हैं? जी नहीं, तीन असमरेख बिंदुओं से एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। चलिए इसका गणितीय प्रमाण देखते हैं। सबसे पहले जी एच और एच आई को इस तरह मिला लेते हैं और जी एच और एच आई के लंब सम विभाजक क्रमशः पी क्यू और आर एस को खींचते हैं। जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। हम जानते हैं कि एक रेखाखंड के लंब सम विभाजक का प्रत्येक बिंदु उसके अंतः बिंदुओं से बराबर दूरी पर होता है। बिंदु ओ रेखाखंड जी एच के लंब सम विभाजक पी क्यू पर स्थित है, इसलिए ओ जी और ओ एच बराबर होंगे। इसी तरह ओ एच और ओ आई भी बराबर होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि OG बराबर OH बराबर OI, जिसका अर्थ है कि बिंदु G, H और I बिंदु O से समान दूरी पर है। अतः हम बिंदु O को केंद्र मानकर तथा OG त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचे तो वह OH और OI से भी होकर जाएगा और यह एक अद्वितीय वृत्त है। यानी इन तीनों समरेख बिंदुओं से इसके अलावा हम कोई वृत्त नहीं खींच सकते जो इन तीनों बिंदुओं से होकर जाए। इस प्रकार हमने यह सिद्ध किया कि हम तीन दिए हुए असमरेख बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक ही वृत्त बना सकते हैं। इसी के साथ हमने यह जाना कि तीन समरेख बिंदु एक वृत्त को बनाने के लिए पर्याप्त होते हैं। आप इस क्रियाकलाप को अपने सहपाठियों के साथ दोहरा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।